दोस्तों आज के आई के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड ट्रांज़िट के डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे वर्ड ट्रांज़िट को हम कब यूज़ करते हैं जब हम इंटरनेशनल यात्रा कर रहे हों सफ़र कर रहे हों तो ट्रांज़िट का मीनिंग क्या हो जाता है ट्रांज़िट वीज़ा क्या होता है और इसी से जो वर्ड ट्रांजिशन निकली है उसका मीनिंग क्या होता है सीखेंगे तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई का वीडियो ट्यूटोरियल लाइक शेयर सब्सक्राइब आई फेक्टनर. दोस्तों इंग्लिश के वर्ड ट्रांजिट का मीनिंग होता है गुजरने का रास्ता पारवाहन राहदारी इसके अलावा ट्रांज़िट जब हम इंटरनेशनल आ, या फिर हम लोग सफ़र कर रहे हों यात्रा कर रहे हों या चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को भी ट्रांज़िट कहा जाता है इसके अलावा लेट सपोज़ हम उस सेंस में भी ट्रांज़िट को यूज़ कर सकते हैं जिस तरह कोई नहर है कोई वाटर पाइप है और उससे कितने हज़ार क्यूबिक मीटर पानी जो है वो ट्रांज़िट हुआ विद इन अ मंथ उस सेंस में भी ट्रांज़िट को यूज़ करते हैं तो अब हम ट्रांज़िट को यूज़ करते हुए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और ये जो हमने डिफरेंट मीनिंग्स को डिस्कस किया है इनको सही तौर से समझने की कोशिश करते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि यू विल नीड अ ट्रांसिट वीजा टू या इस देते हैं यू विल नीड अ ट्रांजिट वीजा during your जर्नी आप एक इंटरनेशनल जर्नी कर रहे हैं सफर कर रहे हैं यात्रा कर रहे हैं और लेट्स सपोज आपने पॉइंट ए से जाना है न्यूयॉर्क और बीच में जो है आप का स्टे जो है वो है पेरिस में ट्रांज़िट है आपका जहाज़ पहले उड़ेगा दुबई से रुकेगा फ्रांस में और फिर आप दूसरा जहाज़ पकड़ के न्यूयॉर्क जाएंगे तो यहाँ पे जो पेरिस आपका टेम्प्रेरी स्टे है गुजरने का जो रास्ता है उसको हम ट्रांज़िट स्टेशन कहेंगे और कई दफ़ा ये भी होता है कि कुछ देशों के कुछ मुल्कों के रहने वालों को ट्रांज़िट वीज़े की जरूरत होती है कि वहाँ पे यानी कि एयरपोर्ट पे भी रुकने के लिए से गुजरने के लिए आपको ट्रांज़िट वीज़े की ज़रूरत होती है वैसे तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे 99.9% अब परसेंट ट्रांज़िट वीज़े की ज़रूरत नहीं होती लेकिन पड़ भी सकती है तो एक तो हमने देख लिया कि हम ट्रांज़िट को ट्रांज़िट वीज़ा के सेंस में कब यूज़ करते हैं ट्रांज़िट स्टेशन क्या होता है इसके अलावा ट्रांज़िट जिस मैंने आपको बताया गैस का गुज़रना पानी का गुज़रना किसी पाइप के ज़रिए किसी नहर के ज़रिए उसको भी ट्रांज़िट करना कहते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जिस तरह के टेन थाउजेंड क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर ट्रांज़िट्स फ्रॉम दिस पाइप एवरी मंथ कि हर महीने इस पाइप के जरिए एक हज़ार क्यूबिक वाटर आ, जो है वो गुज़रता है यहाँ से यानी कि ट्रांज़िट होता है गुजरता है और जिस समय उसी सेंस में हम ये भी देख लेते हैं कि ट्रांज़िट जो है बेसिकली मीनिंग एक और भी होता है उसका मीनिंग ये होता है कि पुराने ज़माने में जो सर्वेयर्स होते थे जो ज़मीन वगैरह की पैमाइश करते थे वो एक टूल यूज़ करते थे एंगल्स बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल एंगल्स बनाने के लिए तो उसको भी ट्रांज़िट कहा जाता था अब जो है हम एक और सेंटेंस बनाते हैं ट्रांज़िट को यूज़ करते हुए और इसके मीनिंग को अच्छे तरीके से समझते हुए कि लेट्स सपोज़ मैं कह सकता हूँ कि

शायद मैं पॉइंट ए से पॉइंट सी पे जा रहा था पॉइंट बी जो था पैरिस एयरपोर्ट था तो हमने उसको पैरिस एयरपोर्ट जो ट्रांजिट स्टेशन था उस पर मैंने बारह घंटे रात के गुजारे तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वर्ड ट्रांजिट का मीनिंग आप समझ आ गया होगा अगर आपका कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है कोई कमेंट है तो नीचे दे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं और अगर आपको समझ आ गया है तो आपने वर्ड ट्रांजिट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें वीडियो को शेयर करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैं हूं आई फैक्टनर मिलूंगा आपसे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में अंटिल देन टेक केयर कीप लर्निंग कीप इंजॉइंग गुड डे